और उनके साथ तमाम विधायक और सांसद भी और तमाम प्रदेश के मंत्री भी मौजूद रहे। तो आज कानपुर मंडल के तकरीबन 9 जिलों के कार्यालयों का शिलान्यास किया गया और कानपुर मंडल के सभी कार्यालयों का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पे सदस्यता अभियान चलाया गया था उसके बाद अब कार्यालय का उद्घाटन किया, तो कुल मिला के जनता की जो भी समस्याएं होंगी उन कार्यालयों के माध्यम से उन समस्याओं का निस्तारण करने की कहीं ना कहीं बीजेपी की ये मंशा है। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानपुर ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस प्रकार से कानपुर मंडल के बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया है, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज यहाँ से क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे, उसके अलावा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा थे, उनके साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे और सुनील बंसल भी पहुंचे थे। इस क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ 9 जिलों के और भी जो कार्यालय हैं उनका भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। उनका इनके जो मंशा है कि इसका एक इनका उद्देश्य ये था कि अमित शाह जी ने काफी दिनों पहले संकल्प लिया था कि जितने भी जिले हैं और हर जिलों से एक जो भी उनसे लिंक जो रोड जाते हैं उनसे एक ऐसे वहाँ पर कार्यालय बनाया जाए ताकि जो दूसरे जिले के लोग हैं वो वहाँ पर जाते थे, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता है वो उनसे मिलते हुए आपस में एक सामंजस्य बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जाए। तो यही कारण था आज जो इस कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर नौबस्ता से जो कानपुर बुंदेलखंड के लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और इस कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जिस तरीके से जो सरकार ने जो भी अपने संकल्प लिए थे वो सारे संकल्पों को पूरा कर रही है, उसी तहत उनका कहना था कि 370 की धारा जब सरकार ने पहले ही संकल्प लिया था उसके संकल्प लेने